पूर्णिया एसपी विशाल शर्मा के पदभार ग्रहण करते ही जनता में विश्वास खो चुकी पूर्णिया पुलिस का क्रेज काफी बढ़ गया है और पुलिस अपराधियों एवं वारंटियों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई कर रही है उससे अपराध पर भी काफी हद तक लगाम लगता दिख रहा है। महज दो दिनों में पुलिस ने 100 से ज्यादा वारंटियों, शराब तस्करों एवं अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और अपराध कंट्रोल के लिए पूर्णिया एसपी समेत तमाम पुलिसकर्मी रात्रि गश्ती कर रहे हैं। 2 मई को 42 और 3 मई को 74 लोगों को विभिन्न मामलों में जेल भेजा गया है। पूर्णिया एसपी ने एक प्रेस वार्ता के दरमियान कहा कि 3 मई से पुलिस लाइन के तमाम पुलिस बल रात्रि गश्ती में लगे रहेंगे और चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर बनी रहेगी। पूर्णिया पुलिस के द्वारा निरंतर वांछित अपराधियों और संगठित अपराध के रिमियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पिछले 2 दिन में कुल 116 गिरफ्तारियां की गई हैं और इसमें 1 तारीख को 42 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई थी और कल रात्रि में लगभग 72 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। पूर्णिया पुलिस का यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और इसी प्रकार से जितने भी वांछित अपराधी हैं और संगठित अपराध कर्मी हैं उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। सब जगह फोर्स का डिप्लॉयमेंट रहेगा जो कि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे आज रात से वो डिप्लॉयमेंट भी हमारा पूरी फंक्शनल रहेगा और डेली जो है 10 से लेकर 4 बजे तक जितने भी शहर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसा हम लोग ने कल रिव्यू करके लिस्ट बनाई है, उन 16 पॉइंट पे 1 ऑफिसर और 4 फोर्स की प्रतिनियुक्ति रहेगी और लाइन से जो है अलग से गश्ती निकलेगी, पुलिस थाना लेवल से गश्ती निकलेगी, सर उसकी इंडिपेंडेंटली चेकिंग करेंगे, हम लोग स्वयं भी गश्ती के क्रम में उसकी चेकिंग करेंगे। आज से ये व्यवस्था भी चालू रहेगी।